हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। अभी बुरा से बुरा हालत है मेरा। पहले खुद का थोड़ा हालत सुधार लूँ, फिर सब कुछ बताते हैं आपको। सो स्टोरी आज का कुछ ऐसा है कि रोज़ मैं शाम को निकल जाता हूँ खुआ आने के लिए। आप में से बहुत लोगों को ये चीज़ पता भी होगा कि मेरे एरिया पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है नहीं, इसलिए मैं खुआ आता हूँ ऑफिस के काम के लिए। मेरा जो ऑफिस का काम है उसके लिए मुझे अच्छा खासा इंटरनेट स्पीड चाहिए, और ये चीज़ मैं पहले भी दो व्लॉग में बता चुका हूँ। सो मैं घर से निकल जाता हूँ शाम के 7 बजे और मेरा ऑफिस का काम शुरू होता है 8 बजे। लेकिन आज दोपहर से इतना हो रहा है बारिश, मैंने बहुत वेट किया लेकिन 7:20 हो गया था, बारिश रुकने का कोई नाम नहीं है। तो मुझे लगा अभी तो मुझे निकलना ही पड़ेगा। तो मैंने तो रेनकोट भाई पहन लिया था, लेकिन मेरा लैपटॉप देखते एक जुगाड़ लगाया था, वो काम में आया कि नहीं। सो ये था कुछ हमारा जुगाड़ लैपटॉप के लिए। चलो भाई, पानी तो गया नहीं इसके अंदर से ही है। इतना मुझे मतलब आज प्रॉब्लम हुआ ना खुआई पहुंचने में, और मैं तो मतलब ऐसे सीधा देख के बाइक चला ही नहीं रहा था। मैं इस तरीके से बाइक चला रहा था क्योंकि मेरा हेलमेट जो है इसका वाइजर कुछ ऐसा है, मतलब अगर इसको मैं ओपन करके चलाऊं तो ही मैं चला सकता हूँ रात को। अगर इसको नीचे कर दूंगा तो रात को मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा। और इतना बारिश हो रहा था, पानी आके सीधा आंखों में गिर रहा था, और एक टाइम पे तो मतलब ऐसा लगा आज मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा, आंखों में इतना जलन हो रहा था। तो बहुत मुश्किल से खुआई फाइनली आके पहुंच गया। और ये है मेरा रेंट रूम जहाँ पे मैं रहता हूँ। उतना अच्छा कुछ है नहीं क्योंकि यहाँ पर मुझे रहना नहीं होता है, मैं बस शाम को आता हूँ, पूरी रात काम करता हूँ, सुबह चला जाता हूँ। इसलिए मैं मतलब ढूंढ रहा था जितना कम प्राइस में मुझे मिल सके वही मेरे लिए अच्छा है। सो इसका रेंट कुछ सिर्फ 800 रुपए के आसपास है। व्लॉग बनाऊंगा ऐसा कुछ मैंने आज एक्चुअली सोचा नहीं था, वरना मैं GoPro भी लेके ही आता, इसलिए मोबाइल से शूट कर रहा हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों मतलब मन हुआ ये जो मैं लाइव जी रहा हूँ ये भी आपको दिखाऊं। सो ऑलमोस्ट मेरा टाइम हो चुका है, अभी मुझे ज्वाइन करना होगा काम पे। 8 बजे शुरू होगा, सुबह के 6 बजे तक चलेगा। सो मिलते हैं सुबह। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम माय पेन हाउस। सो टाइम अभी हो रहा है 7:45। जनरली इतना लेट कभी नहीं होता, सुबह 7 बजे से पहले ही मेरा काम खत्म हो जाता है। लेकिन आज है सैटरडे मॉर्निंग और सैटरडे संडे को होता है बंद। सो नेक्स्ट वीक के लिए मैं कुछ वर्क पेंडिंग रखना नहीं चाहता था, इसलिए जितना भी मेरे पास ऑफिस का वर्क था वो सब कुछ खत्म करते हुए थोड़ा सा लेट हो चुका है। अभी लैपटॉप वगैरह सब कुछ बैग में डाल के सीधा चला जाऊंगा घर, और GoPro में लेके नहीं आया वरना मोटो व्लॉगिंग करते हुए जा सकता था। एंड पूरी रात काम करने के बाद सुबह जब मैं बाइक चला के जाता हूँ तो वो ठंडी ठंडी हवा, वो फ्रेश फ्रेश हवा जब लगता है ना बॉडी में, पूरा थकान उसी में निकल जाता है। मेरे आंखों में अगर आप अभी अच्छे से देखोगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ नींद दिखाई देगा। सो अभी मैं सोने जाऊंगा, मुझे उठते उठते कम से कम 3:30 या फिर 4 तो बज ही जाएगा। अगर बारिश ना रहा तो हम जाएंगे कहीं पर। और अभी मेरे तरफ से सुबह सुबह आप सब लोगों को गुड नाइट। टाइम अभी हो रहा है 4:28, टेक्निकली अभी होना चाहिए गुड आफ्टरनून, पर मैं तो अभी सो के उठा हूँ तो मेरे लिए शायद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग है। तो मैं उठ गया था 3:30 के आसपास, फिर मैंने नहाया। नीलू बहुत ही गंदी हो रखी थी कीचड़ के वजह से क्योंकि पूरी रात बाहर रहती है, तो नीलू को थोड़ा सा वॉश किया, खाना खाया और रेडी हो चुका हूँ निकलने के लिए। GoPro में ज्यादा कुछ चार्ज तो है नहीं, पर जितना चार्ज है उतने में मुझे जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक तो मैं पहुँच जाऊंगा। सो मैं अभी बेसिकली जा रहा हूँ जिरानिया राकेश के घर पे। कुछ दिनों पहले भी मैं जाके आया हूँ लेकिन उस दिन कुछ वीडियो मैंने बनाया नहीं था। कॉलेज खत्म हो जाने के बाद मैंने एक्चुअली सोचा था कि मैं बैंकिंग का एग्जाम दूंगा, और उसी टाइम पे RRB का फॉर्म फिलअप भी शुरू हुआ था। मेरा एक दोस्त है जो अच्छे से मतलब बैंकिंग के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहा है, तो मैंने उससे जब बात किया तो उसने कहा कि बैंकिंग के जो एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं। उसने कहा कि जितने भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आएगा वो तो सारे सॉल्व कर लेगा, लेकिन प्रॉब्लम होता है किधर पे, वो प्रॉब्लम जो हम ट्रेडिशनल तरीके से 5 मिनट 6 मिनट लेके सॉल्व करते हैं बैंकिंग के एग्जाम पे, उसी प्रॉब्लम को विद इन सेकेंड्स में कंप्लीट करना होता है। सो इसके लिए बहुत सारे ट्रिक्स सीखना होता है, बहुत सारा मतलब प्रैक्टिस चाहिए होता है। सो मैंने भी फॉर्म फिलअप किया था RRB बैंकिंग एग्जाम का,
फिर मैंने शुरू किया प्रिपरेशन। मेरे हिसाब से मैंने 30% के आसपास कुछ प्रिपरेशन लिया होगा। फिर तो ये जॉब मिल गया और फिर से यहीं पे काम कर रहा हूँ। उसके बाद से बैंकिंग का कुछ प्रिपरेशन मैंने लिया नहीं। सो कल मेरा बेसिकली बैंकिंग का एग्जाम है। मैंने सोचा था कि मैं एग्जाम दूंगा नहीं क्योंकि मैंने कुछ अच्छे से प्रिपरेशन ही नहीं किया है, पर मम्मी कह रही है जितना भी तूने सीखा है उसी में जाके एग्जाम दे दे, थोड़ा तो मतलब एक्सपीरियंस होगा। कल शाम को राकेश को कॉल करके मैंने ऐसे ही बस मजाक में कहा था कि मैं आने वाला हूँ, लेकिन उसने विश्वास तो किया नहीं होगा। और राकेश कौन है ये शायद बताने की कुछ जरूरत है नहीं। इस पूरे रोड पे बहुत सारे शार्प टर्निंग्स है और मेरे चाकमागट वाले वीडियो पर मैंने जो आप लोगों को वो राइडिंग वाले क्लिप्स दिखाए थे वो बेसिकली इसी रोड पे थे। ऐसे टर्निंग वाले रोड पे अगर आप अच्छे से कैमरा एंगल सेट करोगे तो बहुत ही कूल शॉट्स निकल के आते हैं। ZMR लेजेंडरी बाइक। जब हम लोग क्लास 6-7 में थे उस वक्त अगर हमें कोई पूछता मतलब कौन सा बाइक तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है, तो नो डाउट हर एक बच्चे के मुंह पे ZMR ही होता था। यहाँ पे तो अभी ट्रेन के लिए हमको रुकना पड़ेगा। तेलियामुरा रेल स्टेशन और उस तरफ जिरानिया का रेल स्टेशन, ये दो रेल स्टेशन देखने के बाद एक बहुत ही मतलब अजीब फील होता है। वो पुराने कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं हमेशा। मैं दिव्यंदु हम दोनों रोज सुबह आते हैं यहाँ पर कॉलेज के लिए। यहाँ से तेलियामुरा से हम लोग ट्रेन पकड़ते थे जिरानिया का, फिर जिरानिया से ऑटो से कॉलेज पहुंच जाते थे एंड हर फ्राइडे को उसी तरीके से जिरानिया से लेते थे ट्रेन तेलियामुरा का, फिर तेलियामुरा से हम लोग पहुंच जाते थे घर। और तेलियामुरा तक पहुंचते पहुंचते बहुत एक्चुअली लेट हो जाता था क्योंकि शाम का हमारा ट्रेन होता था। और यहाँ पर आने के बाद हम जहाँ पर रहते हैं यानी कि कुआई के सिर्फ एक या दो मतलब कार ही होता था, तो ट्रेन से निकलते ही हम दोनों ना लेफ्ट ना राइट सीधा भागते थे बाहर की तरफ, जल्दी से जाके कार पकड़ना है वरना घर नहीं पहुंच पाएंगे। भाई वो दिन हमेशा याद रहेंगे क्योंकि वो कुछ मस्ती भरे दिन थे। टाइम अभी हो रहा है 5:08 और सूरज मामा भी अपने घर पे जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। घर जाने से पहले वो जो सूरज से रेड रेड वाइब आता है वो आना शुरू हो चुका है। दुनिया में हजारों रिलेशंस है लेकिन मुझे आज तक ये चीज समझ में नहीं आया कि हम जब छोटे थे तो हमको सूरज मामा चंदा मामा मामा से क्यों इंट्रोड्यूस करवाया जाता था। सो ये होता है चेक पोस्ट, इसको क्रॉस कर लिया तो हम एंटर हो जाएंगे बोरमुरा हिल्स पर। मैं मोटो व्लॉगिंग करते हुए आ रहा था और अचानक से मैंने देखा कि गोप्रो बंद पड़ा हुआ है। और ये देखो मैं गोप्रो को ऑन कर रहा हूँ फिर भी गोप्रो से कोई रेस्पॉन्स नहीं है, गोप्रो ऑन हो ही नहीं रहा है। ये गोप्रो का एक मेजर इशू है, अपने आप कभी कभी बंद पड़ जाता है। गोप्रो अगर देख रहे हो तो प्लीज इसे फिक्स करो, तुम लोग इतना बड़ा कंपनी हो, तुम लोग इतना बड़ा ब्रांड हो, रहे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम। अभी बैटरी निकल के फिर लगाना पड़ेगा, कभी कभी बैटरी निकल के लगाने पे फिर से सही हो जाता है। सो ये मैंने निकाला इसका बैटरी, नहीं ठीक नहीं हुआ। नाउ लेट्स ट्राई विद अ न्यू बैटरी, अगर इससे काम बन जाए तो अच्छा है वरना कुछ नहीं कर सकते। हाँ ये देखो कितना कुछ पूरे रोड पे मैं बकबक करते हुए आया और कुछ शूट ही नहीं हुआ। चलो पूरा मेहनत बेकार। लो भाई एक प्रॉब्लम खत्म हुआ नहीं दूसरा शुरू। पहले तो बंद पड़ गया था और अभी हैंग हो चुका है, इसका स्क्रीन अटक गया है। मैं कुछ भी करूँ कोई भी बटन दबाऊँ कुछ काम ही नहीं कर रहा है। কই অফিসার কাজ সন্ধ্যাবেলা অফিস ওখানে সরা পর্যন্ত কিতে কেন কিতে খুলে রেখে দিছে বাস কে রে কাজ ওখানে শেষ নাকি দা তাইলে স্পিকিং রাকেশ দেবনাথ মি वाह 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 ये हो रहा है ऑफिस का काम। सैलरी मिला मेरा कल आया, आज नहीं आज सुबह आया इस महीने का। लेकिन भाई जो आया वो बहुत ही कम है, मतलब पूरा नहीं है, मैंने तो पूरा महीना काम नहीं किया ना, तो
वो बताऊंगा कैमरा ऑफ करने के बाद। सो टाइम अभी हो रहा है 10:31 और यहाँ पर आने के बाद मैं राकेश और राकेश के दो लोकल दोस्त हम लोगों ने यहाँ पर कार्ड्स खेला। अभी अभी बस वो लोग भी निकले हैं, फिर खाना खाया और कल के एग्ज़ाम के लिए कुछ पढ़ना भी है। वो भी मतलब पढ़ के वैसे कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि अगर मान के चलो 100 का एग्ज़ाम है, वैसे 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है नहीं, अगर मैं मान के चलो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है तो मैंने मैक्स टू मैक्स 30% का ही पढ़ाई पहले किया था और इससे ज़्यादा करने का मौका नहीं मिला इस ऐसा जॉब की वजह से। अभी मैंने जो भी कहा वो बीप हो जाएगा, आप समझ लेना मैंने क्या कहा। सो कल यहाँ से जाऊँगा वो एग्ज़ाम देने, और भी कल के कुछ प्रोग्राम्स है इन भाई साहब के साथ। और आज का वीडियो छोटा सा है, पर जो भी कोई बात नहीं, मैं भी घर में ऐसे ही रहता हूँ। वीडियो आज का छोटा सा है, लेकिन जो भी है, अगर आपको मज़ा आया है तो लाइक कर सकते हो, कॉमेंट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर ज़रूर करना, वीडियो को पहुंचाना लोगों तक अभी आप लोगों के वजह से। टेक केयर, कल एक नया व्लॉग भी बनेगा अगर एग्जाम देने के बाद जो हमारा प्लान है वो अच्छे से एग्जीक्यूट हुआ तो। बाय बाय।